सिरमौर जिले में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए रेडक्रॉस सोसाइटी कई कदम उठाने जा रही है। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा जिले में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि जरूरतमंद लोगों को लाने ले जाने में मदद मिल सके। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष व उपायुक्त राम कुमार गौतम ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर द्वारा बनाए गए चार्ट के मुताबिक ऐसे इलाकों में भेजा जाएगा जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। हमें एक नई मोबाइल हेल्थ वैन मिली है, इसको चलाने के लिए हमने अभी जिसकी फॉर्मेलिटीज थी पूरी कंप्लीट कर ली गई है और शीघ्र ही जो है एक जो चार्टर सीएमओ के माध्यम से हमें मिलेगा, जो रूट चार्ट मिलेगा वहाँ पे इनको चलाया जाएगा। साथ में इसमें एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट भी डिप्लॉय किया जाएगा ताकि लोगों को ऐसे गांव में जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, लोग आ जा नहीं सकते, दूर दराज के इलाके, वहाँ पे इसको चलाया जाएगा और वहाँ पे इसके माध्यम से लोगों को सेवाएं दी जाएगी।